हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी, जो कि एक बहुत ही हेल्दी सैलड है जो आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे आपको फिट रहने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और आप इसे लंच में खा सकते हैं, एज अ ब्रेकफास्ट खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत टेस्टी भी। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लिया है। यहाँ मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। ऑलिव ऑयल बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो आप ऑलिव ऑयल ही यूज़ कीजिए। उसके साथ मैंने 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं। आप चाहे तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। और साथ ही साथ 1 टेबल स्पून ऑरिगेनो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ड्राइड ऑरिगेनो इस्तेमाल कर रहे हैं। और 1/2 टीस्पून हम ब्लैक पेपर पाउडर। यहाँ मैंने 2 से 3 बारीक काटे हुए लहसुन लिए हैं जो हम इसमें डालेंगे। और इसे बहुत ही बारीक काट के लेना है ताकि वो मुंह में ना आए। और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया हम इसमें डालें। अब हम इसमें 2 से 3 हाथ से ही तोड़ी हुई फ्रेश पुदीना की पत्तियाँ डालेंगे। ध्यान रखना है कि पुदीना के पत्तियों को काटे ना, उसको हाथ से ही ऐसे तोड़ के डालें। और हम अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच लेमन जूस डालेंगे, नींबू का रस, और इसे अच्छे से मिला। अब सैलड को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक गरम पैन में डालेंगे और उसमें हम 1 ग्लास पानी डालेंगे। और इसे हमें कम से कम 5 मिनट तक पकने देना है हाई फ्लेम पे, जब तक कि सारा पानी सूख ना जाए और कॉर्न अच्छे से पक ना जाए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा कॉर्न बिल्कुल भी रेडी है। अब हम उसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ हमने सबसे पहले कॉर्न लिया है जो कि हमने पका लिया था। उसके बाद मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी डाइस किए हुए शिमला मिर्च। हरी शिमला मिर्च डाली है, आप चाहे तो लाल पीली शिमला मिर्च ले सकते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे खीरा लिया है, एक छोटा खीरा लिया है। और हम अब इसमें हमारा थोड़ा सा ड्रेसिंग डालेंगे। और अब थोड़ा थोड़ा ड्रेसिंग डाल के हम सबसे पहले मिलाएंगे। ध्यान रखना है कि सारा ड्रेसिंग जो हमने बनाया था वो एक साथ ना डालें, वरना वो अच्छे से नहीं लगेगा। या मैंने एक कटा हुआ टमाटर लिया है जो कि हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही साथ एक बारीक प्याज डाला है बारीक काट के। ध्यान रखना है बाकी सारी चीज़ें आपको बाइट साइज के। मैं अब हम इसमें फ्रेश धनिया डालेंगे। और ध्यान रखिए कि धनिया आप इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डालें, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है खाने के लिए। तो यहाँ मैंने बहुत सारा कटा हुआ फ्रेश धनिया लिया है जो कि हम इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। और अब हम आखिर में बची हुई सारी ड्रेसिंग इसमें मिला देंगे। और इसको अच्छे से हमको मिला देना है। आप चाहे तो 2 चम्मच लेके अच्छे से टॉस करके मिला लीजिए, ताकि जो ड्रेसिंग है वो सारी चीज़ों को अच्छे से लग जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए।